नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव उर्फ रेचल आज पटना की सड़कों पर घूमने के लिए निकली है अकेले सुरक्षा कर्मियों के साथ। आपको तस्वीर दिखा देते हैं, आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर चल रही होंगी जिसमें गाड़ी से निकल रही है तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव। एक तरीके से हम कह सकते हैं पहले भी वो निकल चुकी है, इससे पहले भी वो निकली थी, अकेले ही निकली थी गाड़ी से, लेकिन ये नहीं पता चला था कि क्यों और किस लिए वो बाहर जा रही है, अकेले क्यों बाहर जा रही है। लेकिन अब पता चला है आज की खबरों से कि आज राजश्री यादव पटना की सड़कों पर घूमने के लिए अकेले निकली है सुरक्षा कर्मियों के साथ। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अब आपको अगर राजश्री यादव के बारे में बताएं तो राजश्री यादव जब से लालू परिवार में आई है, एक तरीके से दिख रहा है कि लालू परिवार खुश हो चुका है, खुश है, खुशी का माहौल है राजश्री यादव के आने से। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक तरीके से गुपचुप तरीके से शादी की, शादी के बारे में किसी को ज़्यादा मालूम भी नहीं था। और ये तेजस्वी यादव की जो शादी की खबरें हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगी। सबसे पहले तो ये आया कि तेजस्वी यादव सगाई करने वाले हैं, लेकिन तब भी नहीं पता था कि आखिर लड़की कौन है। फिर बाद में खबर सामने आई कि जो लड़की है वो तेजस्वी यादव की बचपन की दोस्त है, हम कह सकते हैं, और साथ साथ तेजस्वी यादव उन्हें बचपन से भी जानते हैं, ऐसा सामने आया। और वो ईसाई धर्म की लड़की है, ये भी बात सामने आई जब उनकी शादी की बात सामने आई थी। तब तेजस्वी यादव की पत्नी की तस्वीर भी तभी सामने आई थी, पहली बार सबने देखा था उनकी शादी होने के बाद। फिर तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ रेचल के साथ बिहार आए, और बिहार आते ही एक और नया खुलासा कर दिया कि आज से रेचल का नाम रेचल नहीं राजश्री होगा, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन राजश्री नाम बिहार के लोगों को बुलाने के लिए सही रहेगा, वो बुला पाएंगे, लेकिन रेचल नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे। इस कारण से रेचल ने ही यह डिसीजन लिया कि आज से उनका नाम राजश्री होगा, और ये नामकरण लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो उनके द्वारा किया गया है। बीच में बात ये भी उठी थी कि क्या राजश्री राजनीति में आ जाएगी, क्योंकि एक तस्वीर सामने आ रही थी और उस तस्वीर में ये दिख रहा था कि अपने ऑफिस में तेजस्वी यादव बैठे हैं और उनके पीछे राजश्री खड़ी है, तो ऐसा लगने लगा था कि क्या रेचल जो है वो राजनीति में आ जाएगी। और आपको बता दें, शादी के पहले भी रेचल राजश्री हमेशा से तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हुए आई है, उन्होंने काफ़ी ट्वीट भी किया, उनका ट्वीट भी बहुत साल पहले का सामने आया था जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर तंज कसा था, जब विधानसभा चुनाव था तो उनके तेजस्वी यादव के सपोर्ट में आई थी। और जब उनकी धर्म पत्नी आ गई है तो ऐसा लग रहा है कि सारी खुशियाँ लेके वो राजद में आई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो कि राजद से कटे कटे रहते थे अब वो भी राजद के साथ नजर आ रहे हैं। आज सुबह भी वो राबड़ी आवाज गए थे तेज प्रताप यादव अपने भाई, अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। और जब मुद्दा ये उठा था तेजस्वी यादव और साथ साथ राजश्री की शादी पर टिप्पणी की गई थी, तब भी सपोर्ट किया था तेज प्रताप यादव ने। तो हम कह सकते हैं राजश्री के आने से एक तरीके से खुशी आ गई है राजद परिवार में। और बता दें, जब राजश्री आई थी तब उनका स्वागत किया गया था, राबड़ी देवी ने आरती उतार के इनका स्वागत किया था, और साथ साथ जहाँ पे राजद के जो कार्यकर्ता है वो भी उनसे मिलने के लिए बेकरार थे, और हालांकि मिलने भी पहुँचे थे गुलदस्ता लेकर हाथ में, सभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, और सबका कहना था कि राजश्री एक बहुत अच्छी लड़की है। और अब राजश्री पटना की सड़कों पर अकेले घूमने के लिए निकली है, वो भी पुलिस कर्मियों के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इसी के साथ देखते रहे डीटीवी भारत। धन्यवाद।